तो भाई लोग कैसे हो। तो भाई इस वीडियो में आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं रियलमी नार्जो 30 प्रो वर्सेस रियलमी 7 का। तो देखते हैं बूट कैम हॉट डॉग करके कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा आपको परफॉर्मेंस देगा। तो ये गेम प्ले है भाई रियलमी नार्जो 30 प्रो का। तो देखते हैं कोई लैगिंग का फेस करना पड़ता है कि नहीं। रियलमी नार्जो 30 प्रो का भाई जायरोस्कोप बहुत मस्त है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने नहीं दिखेगा। तो भाई आपको इस फ़ोन में टच इशू का भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। तो भाई इसका जायरोस्कोप और टच इशू तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, अब जब टच करोगे तभी आपका स्क्रीन रिस्पॉन्स दे देगा। तो भाई मुझे तो फिलहाल कोई लैगिंग का फेस नहीं दिखने मिला। तरह भाई आपको थोड़ा फ्रेम ड्रॉप तो देखने मिलेगा। तो अगर आप बूट कैम जाएगा पे हॉट ड्रॉप करते हो तो आपको पता ही है कितना बंदा आता है। तो भाई अगर आप इसमें अगर एक पूरा इडेंगल का 30 मिनट का अगर मैच आप खेलते हो तो आपको बैटरी ड्रॉप होगा भी 7 से 8%, उससे ज़्यादा आपको नहीं होगा। तो भाई अगर आपको कुछ पूछना है तो भाई मुझे नीचे कमेंट में लिखना, तो मैं आपको रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूँगा। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, धमाके। तो भाई देखते हैं Realme 7 से बूट कैम हॉट डॉप करने से कोई लैगिंग का फेस करना पड़ता है कि नहीं। तो भाई आपको इसमें भी स्मूथ से अल्ट्रा तक 40 FPS का आपको सपोर्ट मिलता है। तो देखते हैं भाई कोई लैगिंग का फेस करना पड़ता है कि नहीं।
तो भाई इसमें आपको क्लोज रेंज फाइट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगा, और तो आप देख ही सकते हो भाई इसका जायरोस्कोप कैसा था, तो मतलब है तो आप देख ही सकते हो, कोई आपको इसमें जायरोस्कोप का ढीलेपंती नहीं दिखने मिलेगा। तो अगर भाई आपको कुछ जानना है तो इस दोनों फ़ोन में के बारे में मैं कुछ अगर नहीं बताया तो भाई आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको पूरा रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। तो भाई आपको भी इसमें गेम चिपकने का देखने आपको नहीं मिलेगा, तो भाई इसका डिस्प्ले का टच रिस्पॉन्स में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगा, आप जब टच करेंगे तभी आपको रिस्पॉन्स दे देगा। तो भाई अगर आप 30 मिनट का पूरा क्लासिक मैच रेंगल में खेलते हो तो उसमें आपको बैटरी ड्रॉप जो देखने मिलेगा वो है 8 से 10% का बीच में आपको देखने मिलेगा। तो भाई ये रियलमी नार्जो 30 प्रो से ज़्यादा ही है बैटरी ड्रॉप हो रहा है। तो भाई अगर आप गेमिंग के लिए कोई फ़ोन लेना चाहते हो तो मैं बोलूँगा आप रियलमी नार्जो 30 प्रो ले सकते हो, तो आपको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखेगा, आपको जायरोस्कोप भी अच्छा है, ऑलमोस्ट सभी कुछ अच्छा है।